हेलो गैस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारा होम थिएटर पे, ये अमहा कंपनी का होम थिएटर है। मैं पहली बार इस होम थिएटर को देख रहा हूँ। अगर आप भी इस होम थिएटर को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं इस वीडियो में इस होम थिएटर को पूरा दिखाऊंगा। और इस होम थिएटर में प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड, कस्टमर का इस होम थिएटर में चूहे ने अंदर घुस के इसका जो भी कनेक्शन है सारे वायर को काट दिया, और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर जोड़े। तो नेक्स्ट टाइम में इसका मैं, कस्टमर अगर एग्री होता है कि इसको रिपेयर कर दे, तो नेक्स्ट टाइम में इसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगेगी, कैसे लगेगी, सारे कनेक्शन के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में जानेंगे इस होम थिएटर में क्या क्या सिस्टम है। इसमें फ्रेंड DVD सिस्टम है और डॉल्बी ऑटोमेशन है। अगर बोला जाए तो 5.1 ये पूरा कंप्लीट है। ये इसमें सारे सर्किट बोर्ड लगी हुई है, कुछ कुछ DVD फंक्शन का और पावर सप्लाई का जो भी है ये ऊपर वाले सिस्टम में लगे हुए हैं। नीचे वाले होम थिएटर में कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं है। एक ट्रांसफार्मर है और जो IC है बेस का, वो IC है, और 3 चैनल का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं दिखाऊँगा। ये डिजिटल यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ अमहा कंपनी का लोगो है। यह अमहा का लोगो है जो कि बाइक में भी रहता है, और इसका पावर है। इसमें 2 चैनल आउटपुट आपको मिल जाएगा स्पीकर के लिए, और ये डॉल्बी डिजिटल डॉल्बी है। यहाँ पे डॉल्बी सिस्टम मिल जाएगा, सराउंड मिल जाएगा, और डिजिटल है तो यहाँ पे जो भी सारा चीज़ यहाँ पे डिजिटल कंट्रोल कर पाएंगे। ये है पुराना मॉडल। नया मॉडल में आपका जो है और यहाँ फीचर के साथ मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन। और ये है मॉडल नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे में सारा चीज़ है 5.1 के लिए सिस्टम, जो कि इनपुट है ऑप्टिकल या अलग अलग सिस्टम का, यहाँ पे जो इनपुट होने का है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये इसमें ऊपर वाले में 60 वाट लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले जो है सिस्टम वो 30-30 वाट करके आउटपुट लिख लेगा, वो आपका 60 वाट का है। और नीचे वाले फ्रेंड आपका पूरी तरीके से 90 वाट आपका आउटपुट निकालेगा। इसमें एक सब ऊपर लगा हुआ है और 3 आउटपुट चैनल इसमें निकालेगा, तो ये पूरा तरीके से 90 वाट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, इसके अंदर IC लगा हुआ है, मैं भी देखा, बहुत ही अच्छा IC लगी हुई है। STK के बारे में आप जो नहीं जान रहे हैं तो STK के बारे में वीडियो देख लीजिएगा। STK का इसमें IC लगा हुआ, जो कि बहुत ही पावरफुल IC माना जाता है। वाटेज उसका कम लिखा रहता है, लेकिन साउंड जो है लाउडनेस बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे फ्रेंड मेड इन चाइना, तो चाइना लिखा हुआ चाइना ही होगा। तो यहाँ पे इस बोर्ड को लिखा हुआ यहाँ पे 230 वोल्ट 90 वाट, तो ये हमारा 90 वाट का है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और इसका वायरिंग का वीडियो आने वाली है, अगर कस्टमर एग्री होते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।